मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के साथ कोरोना को लेकर बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड में कोरोना रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा है कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगाने के लिए अभियान चलाया जाए। शुक्रवार से ही बूस्टर डोज लगाने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक ली। उन्होंने सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंस भी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को कोविड की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड बूस्टर डोज की जितनी आवश्यकता है शीघ्र केंद्र सरकार को डिमांड भेजी जाए, सभी आवश्यक संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता रखी जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा है कि बूस्टर डोज पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोविड की प्रथम और द्वितीय डोज लगभग 100% लोगों को लग चुकी है। बूस्टर डोज के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। इसमें बनते हैं वो आपस में परस्पर एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है। वही जो निजी रिश्ते इसमें बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी कार्य प्रणाली को भी मजबूत बनाते हैं। पर्सनल जो बॉन्डिंग होती है वो फिर हमारे कामों पर भी आती है। हमको लगता है कि कई बार बहुत सारे ऐसे प्रकरण आते हैं जिसमें फाइल एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाती है, दूसरे से फिर ऊपर जाती है, तो उसमें जब नीचे से फाइल चलती है अगर उनके आपस में रिश्ते ठीक रहते हैं तो नीचे से फाइल बनकर आई तो ऊपर पर जल्दी चली जाती है। नहीं तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी कह रहे थे कि वो डीजीसी ने गड़बड़ कर दिया और उसने गड़बड़ कर दिया, उसने ठीक नहीं करा, उसी प्रकार से हमारे विभागों में भी हो जाता है।